हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जीशान आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। आज मैं अस्थाकाइन डीएक्स सिरप का रिव्यू करने जा रहा हूं, उसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। ये कफ सिरप है, ये ड्राई कफ में यूज़ किया जा सकता है। ये मेनकाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का प्रोडक्ट है। मेनकाइन बहुत ही बड़ी कंपनी, बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है। ये तीन दवाओं को मिलाकर बनाया गया है। इसके अंदर सीपीएम है, डेक्सामेथासोन है और फेनाइलफेरिन है। इस वीडियो को बिना स्किप किए इन तक देखते रहिएगा, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि अस्थाकाइन डीएक्स सिरप किन किन रोगों में यूज़ कर सकते हैं, इसका खाने का सही तरीका क्या है और इसके खाने से क्या क्या शरीर पर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और इसकी प्राइस कितनी है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, आपके हेल्थ से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। किसी रोग के बारे में या किसी भी मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। चलिए जानते हैं अस्थाकाइन डीएक्स सिरप किन किन रोगों में हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अस्थाकाइन डीएक्स सिरप किन किन रोगों में हम यूज़ कर सकते हैं। सीजनल एलर्जी में जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी के साथ होता है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा है। नाक बंद में और इसके अलावा सूखी खांसी में, खांसते समय बिल्कुल कफ नहीं निकलता, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा गया। कोविड-19 की भी खांसी में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा गया, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा ये गले में ससराहट होती है, एलर्जिकल कफ होता है, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा गया है। और इसकी प्राइस की बात कर ले तो ये 85 रुपये की 100 ml की इसकी बॉटल आती है। अगर आप मेडिकल स्टोर वाले से थोड़ा सा बार्गेनिंग कर ले तो आपको 10% तक आपको डिस्काउंट भी दे सकता है। इसकी डोज की बात करें तो ये 10 ml सुबह, 10 ml शाम ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार। और किन रोगियों को यूज़ करते समय डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, उसके बाद ही यूज़ करना चाहिए। जो हार्ट के रोगी है इसको यूज़ करते समय डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। किडनी डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो, लीवर डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो, थायराइड हो, मोतियाबिंद हो, ऐसे रोगियों को यूज़ करते समय डॉक्टर सलाह अवश्य लेनी चाहिए, उसके बाद ही इस दवा का यूज़ करना चाहिए। और इसके खाने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, टैकीकार्डिया हो सकता है, हृदय गति तेज़ हो सकती है, स्किन में लाल चकते हो सकते हैं, उल्टी हो सकती है और पेट में दर्द हो सकता है, जी मतला सकता है, इसके अलावा चक्कर आ सकता है और पल्पिटेशन हो सकता है, हृदय गति तेज़ी से बढ़ सकती है, मुंह सूज सकता है, मुंह में सूजन आ सकती है। ऐसा कोई भी साइन सिम्टम आपको दिखाई दे इमीडिएटली दवा का यूज़ करना बंद कर दे, अपने डॉक्टर से तत्काल संपर्क करें। बिना डॉक्टर की सलाह से किसी प्रकार की दवा का यूज़ ना करें, आपके सेहत के लिए नुकसानदेह। अगर मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दे, वीडियो को अन लोगों तक शेयर कर दे, जानकारी अन लोगों तक पहुँच सके। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।